फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले जो कि शुगर स्टॉक्स है। पीछे जो न्यूज़ आई थी कि इथेनॉल से जो सरकार है अपनी, इंडियन गवर्नमेंट जो है इथेनॉल से इथेनॉल बनाने वाली है गन्ने के जूस से, उसके बाद में उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट दिया था कि वो जो प्रोजेक्ट था उनका गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाने का, वो उन्होंने फिर से कैंसिल कर दिया है। तो शुगर स्टॉक जो है काफ़ी बूम जो कर रहे थे तो फिर से नीचे गिरावट उसमें शुरू हो गई थी। लेकिन अभी जो मैं चार्ट एनालिसिस में ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ न्यूज़ आना हो या कुछ शेयर मार्केट के रिलेटेड अगर कुछ बड़ा धमाका अगर होने वाला हो तो वो सबसे पहले चार्ट पे दिख जाता है। तो मैं टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ फंडामेंटल से ज़्यादा। तो फंडामेंटल जो है आपको स्टॉक की जो है स्ट्रेंथ बताएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और टेक्निकल जो है आपको एंट्री दिलाएगा कि वो कब भाग सकता है या कब भागने की तैयारी में है। तो ये जो दो स्टॉक्स है जो कि है, एक जो है श्री रेणुका शुगर और दूसरा जो है बजाज हिंद जो शुगर है, ये दो स्टॉक मैंने आज निकाल के रखे हैं, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ से इनके इसमें बाइंग बनती है एक, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है बजट आने वाला है। अभी उसके बाद फर्स्ट बजट होगा, बाद में फिर से एक बजट पेश होगा जो कि नई सरकार जो बनेगी तो वो फिर से एक बजट लाएगी। तो हो सकता है कि ये जो बजट है उसमें इथेनॉल प्रोडक्शन का जो है गन्ने के जूस से, उसमें अगर कुछ सरकार फिर से अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखाती है तो ये स्टॉक जो है वो भाग सकते हैं, और वो आपके पोर्टफोलियो में भागने से पहले, ब्रेकआउट से पहले आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसलिए मैंने ये दो स्टॉक जो है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये चार्ट पे दिख रहा है कि ये भाग सकते हैं, तो मैंने ये दो स्टॉक जो है मैंने चूज़ किए है आप सबके लिए। तो ये जो मैं एनालिसिस वीडियो जो बना रहा हूँ तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको बाय सेल कुछ भी करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही आप बाय सेल कर सकते हो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर देखेंगे यहाँ पे मंथली में अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन था इसका श्री रेणुका शुगर का हम पहले करेंगे, तो ये वाला जो है 2011 से लेके देखो ये जो स्टॉक था ये डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद में जो है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। ये यहाँ से मुझे टर्न होते हुए दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिविटी दिख रही है इसमें कि ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आप इसे स्विंग ट्रेडिंग की तरह या थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, या अगर आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए गेन करना है तो आप बजट तक का वेट कर सकते हो, तब तक आप इसे बाय करके चल सकते हो। तो इसमें अगर देखेंगे प्राइस एक्शन जो है, मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो प्राइस एक्शन मुझे ये बता रहा है कि ये जो 2011 से लेके 2022 तक का जो कंसोलिडेशन था यहाँ पे, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था और इसके बाद में जो है ये रिटेस्ट करके ऊपर भागने की तैयारी कर रहा है। तो इसमें आप कौन से लेवल पे बाय कर सकते हो तो मैं आपको ये लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप जो है यहाँ पे ये रिटेस्ट जो किया इसने, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर भाग सकता है यहाँ से, और यहाँ पे जाके थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर ये ऊपर की साइड जा सकता है। तो इसके जो लेवल है, अभी जो लेवल चल रहा है इसका 46 रुपीज़, यहाँ पे आप इसे बाय कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्राइस लेवल लगा देता हूँ, तो आगे जब भी मैं एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा तो आपको आसान रहेगा। ये 46 रुपीज़ जो अभी चल रहा है यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं लेना है आपको, बस छोटा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसे, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए दोनों स्टॉक जो है
वो ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, 100-100 क्वांटिटी अगर लेनी है आपको तो ले सकते हो, 46 रुपीज़ चल रहा है अभी, तो 4,600 रुपये आपको लगेगी 100 स्टॉक के लिए। और इसका स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा, ये स्टॉप लॉस प्राइस रहेगा आपका, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका 37 रुपीज़ का, ये मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देंगे तो आपको समझ में आएगा। 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ESL, ये आपका ESL पॉइंट होगा 37 रुपीज़, और ये आपका बाय प्राइस होगा जो कि है 46 रुपीज़ बाय प्राइस, ये आपका होगा बाइंग प्राइस 46 रुपीज़। और टारगेट अगर देखेंगे तो ये वाले टारगेट मुझे नज़र आ रहे, ये जो है इसका फर्स्ट टारगेट होगा आपका, छोटा स्विंग अगर आप करना चाहते हो बजट तक के लिए, तो ये दो इसके टारगेट होंगे रिसेंट, मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट, टारगेट जो है 62 और 71 रुपीज़, ये इसके शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। और थोड़ा लंबा अगर होल्ड करते हो तो इसके काफ़ी अच्छे, अगर शुगर स्टॉक्स में सरकार जो अपने गवर्नमेंट जो है इन्होंने अगर कुछ पैकेज अगर अनाउंस कर दिया तो आने वाले टाइम में हमें ये टारगेट भी देखने मिल सकते हैं, जो कि है 111, सेकेंड टारगेट जो है 149 का, और थर्ड टारगेट जो है 189 का, ये टारगेट आने वाले टाइम में हमें देखने मिल सकते हैं इस स्टॉक में। तो आप जो है इसे वीकली में भी देख लेंगे हम एक बार, यहाँ पे अगर देखेंगे वीकली में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है पैटर्न नज़र आ रहा है, जो कि ये कंसोलिडेशन है, और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस हम नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल्स जो सिर्फ आपको स्टॉक की स्ट्रेंथ बताता है और कब भागने वाला है ये तो टेक्निकली बताएगा। तो ये वाले जो है मेरे टारगेट है आने वाले टाइम में हमें देखने मिल सकते हैं, तो आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। अभी हम दूसरा जो स्टॉक है उसका भी एनालिसिस करेंगे, तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट और जो बाइंग प्राइस है ये मैंने आपको बता दिया है कि आप इसे कौन से पॉइंट पे बाय कर सकते हो, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपकी क्या टारगेट होने वाले। तो चलिए जो दूसरा स्टॉक है बजाज हिंद जो है, इसका भी एनालिसिस हम कर लेते हैं। इसका भी मैं मंथली मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसका भी अगर देखेंगे ये भी सेम कंसोलिडेशन जो था इसका, ये कंसोलिडेशन 2013 से 2023 तक इस कंसोलिडेशन था। इसका ब्रेकआउट जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ऊपर जाके ये जो इसका ये पॉइंट है, ये गेटवे पॉइंट इसे मैं बोलता हूँ, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ये वाले टारगेट जो है हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद में रिटेस्ट करके अब काफ़ी अच्छा क्लोजिंग हमें मिला है यहाँ पे, ये सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है, और ये भी काफ़ी छोटा सा स्टॉक है 27-28 रुपीज़ का, तो इसके भी अब आप लगभग 100 शेयर जो है आप इसके बाय करके होल्ड कर सकते हो बजट तक, या बजट के बाद आप अगर बजट कुछ अनाउंसमेंट होता है शुगर स्टॉक के लिए तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें होल्डिंग थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। तो इसका जो है ये भी इसका बाइंग प्राइस है अभी जो चल रहा है 27 रुपीज़, इसका बाइंग प्राइस होने वाला है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये बाय प्राइस रहेगा, इसे भी हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्राइस, ये आपका बाय प्राइस होने वाला है जो कि है 27 रुपीज़, और इसका जो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसका स्टॉप लॉस जो है आपका 15 रुपीज़ का जो है आपका इसका स्टॉप लॉस रहेगा, या हाँ 15 रुपीज़ का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये SL अब मैं लिख देता हूँ, SL 15 रुपीज़ का ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, मैंने जो टारगेट निकाले हैं,
ये आपका टारगेट होने वाला है 36 रुपीज़ का, ये टारगेट होने वाला है। और 31 से लेके 36 रुपीज़ ये शॉर्ट टर्म टारगेट होने वाला है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है ये 54 रुपीज़, सेकेंड टारगेट जो निकल के आ रहा है 73 रुपीज़, और थर्ड टारगेट जो निकल के आ रहा है ये 92 रुपीज़। अगर बजट में इसमें अनाउंसमेंट अगर होता है, पैकेज कुछ मिलता है सरकार की तरफ से, तो ये वाले टारगेट निकल के आ रहे हैं। और ये अब लॉन्ग टर्म के लिए इसका तो ज़्यादा बड़ा टारगेट भी मिल सकता है हमें, लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करते हो तो काफ़ी अच्छा शेयर है। 48 रुपीज़, सॉरी 481 रुपीज़ से गिर के नीचे आए, और काफ़ी लंबा इसने कंसोलिडेशन किया है 2011 से लेके 2022 तक, मतलब लगभग 11 से 12 साल का जो है इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इसने दिया है। तो कहीं ना कहीं चार्ट जो है पॉजिटिविटी की तरफ मुझे दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये दोनों शेयर आप पोर्टफोलियो में सजा सकते हो। तो ये आने वाले टाइम में आपको अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट होता है तो आपको ब्रेकआउट से पहले ही आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होंगे। न्यूज़ तो बाद में आएगी, लेकिन उसके पहले ही आपका बाइंग प्राइस जो है एकदम लो बाइंग, आप बॉटम पे बाइंग हो जाएगा आपका। तो ये दो स्टॉक्स थे। तो ऐसे ही अगर आपको अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स, कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो के लिए आप मेरा चैनल जो है इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, ये मेरा चैनल का इंटरफेस है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो मैं डेली यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इसके एनालिसिस वीडियो, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स जो होते हैं, इजी माई ट्रिप, सुजलॉन जैसे, कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो जिनका बाइंग प्राइस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ एनालिसिस वीडियो में डालता हूँ, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ये गोल्डन बुल्स नाम से। यहाँ पे अगर आपको टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना है तो यहाँ पे ये राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो QR कोड दिख रहा है, तो इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी के जो है डेली इंपॉर्टेंट लेवल इंट्राडे के लिए प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कुछ ट्रेड्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, पेपर ट्रेडिंग के लिए होते हैं। तो आज हमने 0 0 ट्रेड दिया था, 21,250 का पी दिया था 35 रुपीज़ पे, तो जिसने लगभग जो है 11 पॉइंट्स हमें दिए हैं। और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दिए थे, 3 PM अलर्ट भी दिया था। तो इसे ये सब जो एजुकेशनल पर्पस के लिए कंटेंट है जो है इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। और ये मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पे भी आप बेल आइकन प्रेस करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो में, तो बने रहिए चैनल पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।